हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है ना? तो बच्चों, हम लोग अभी क्या कर रहे थे? पॉलीसेक्राइड्स पे आ गए, ठीक है ना? बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या? पॉलीसेक्राइड, ठीक है? तो पॉलीसेक्राइड में पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्च पढ़ा था। तो थोड़ा हल्का फुल्का उसका रिविजन कर लें। स्टार्च क्या चीज से मिलकर बना होता है? ये मिला होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये दो तरह के होते हैं, कैसे? स्ट्रक्चर वाइज। अगर स्ट्रक्चर वाइज को डिवाइड किया जाए तो कितने टाइप में होते हैं? दो टाइप। कौन? एक एमाइलोज और एक दूसरा क्या? एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? एमाइलोज क्या है? स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड होता है ना? एंड एमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड। एमाइलोज में क्या है? ओनली कार्बन वन एंड कार्बन फोर के बीच में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा बॉन्ड बनता है। जबकि एमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच वाला है, उसमें क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक ब्रांच के ग्लाइकोसिडिक लिंक के द्वारा C1C4 में तो बनता ही है, साथ साथ C1 and C6 में भी बनता है बॉन्ड, ठीक। इसके बाद में क्या था? ये जो है एमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल होता है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या स्टार्च कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग दो जो बचा हुआ है क्या क्या? सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है? ग्लाइकोजन यानी सेल्यूलोज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का यूज क्या क्या चीज में होता है? जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है उसमें लकड़ी की जरूरत होती है, तो उसमें इसके बाद जो फर्नीचर बनता है इसमें सेल्यूलोज। तो क्या है? पेड़ पौधा से का वेस्टेज जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वही ना सेल्यूलोज का बना होता है ना? मालूम है? तो सेल्यूलोज क्या है? इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड। क्या है ये? स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोज ओनली स्टार्च था, अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा बना हुआ था, जबकि ये क्या है? स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड कंपोज बाय बीटा डी ग्लूकोज। किसके द्वारा बना है ये? बीटा डी ग्लूकोज। जब इसको हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा तो मिनी यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का हम डी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड के रूप में हम लोगों को मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो चलिए लिख लेते हैं इसको। सेल्यूलोज इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड्स composed only beta D composed of your beta D glucose। सबको मालूम होगा क्या? सेम टू सेम, ये ऑक्सीजन, ये रहा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक। बीटा डी ग्लूकोज में क्या हो? सिर्फ यहाँ के कार्बन नंबर वन के किसका ग्रुप? HNOH ग्रुप का क्या होता है? बस उल्टा पलटा हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। अगर OH ऊपर है तो ये बीटा डी ग्लूकोज, अगर OH नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज। बस इतना ही का अंतर है और सब कुछ सेम होता है, ठीक। और टोटल क्या होता है? सब कुछ सेम। अब चूंकि स्ट्रेट चेन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ है तो हम कैसे इसको बना देंगे? देखिए, जैसे यहाँ हम सीढ़ी वाइज बनाते हैं, जैसे सीढ़ी होता है वैसे बनाते हैं, कैसे? सीढ़ी के जैसे, ठीक। ये देखिए HOH यहाँ पे गलती हो गई, ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। यहाँ OH CH2OH H। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखिए कैसे लिंकेज हुआ,
यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, माइनस एच टू ओ, एंड क्या हो गया, यहाँ से लिंक बन गया इसको का, यहाँ से ये लिंक बन गया। आगे बात समझ में, ये लिंक, ये ग्लाइकोसिडी लिंक। अब यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देती हूँ कैसे लिंक बनेगा, ये ऐसे चेन में रहेगा, ठीक, देख लिए कैसे वाटर निकलेगा। तो यहाँ से ये कैसे होता है, ये रहा वो, सेल टू सेल, एच 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 एच, ये लिंक जो है इसको क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंक। आगे बात समझ में, तो ऐसे ये लिंक के रूप में, चेन के रूप में चला जाएगा, इसमें ब्रांच नहीं बनता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक। अब ये देखना है जो क्या सेल्यूलोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। तो रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या क्या मेन पॉइंट था, क्या क्या होना जरूरी था, एक ही कार्बन पे क्या क्या होगा, ओ एच एच एंड ईथर, ईथर ग्रुप होना चाहिए, या OH, ईथर एंड R ग्रुप होना चाहिए। अब बताइए इसमें से किसी में है ऐसा, अब बोलिएगा यहाँ पे तो है, तो ये तो लिंक है ना, लिंक है तो ये तो नहीं मैं बता रही हूँ कि एक जगह पे जाके ये इंड हो गया, ये तो इनफाइनाइट है, आगे ऐसे ही चेंज होता रहेगा, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, यहाँ देखेंगे ये वाला, देखेंगे इस दोनों को नहीं, सिर्फ ये वाला देखेंगे। यहाँ पे देखो कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा कार्बन है जो तीनों के इस फुल को फुलफिल करता है, किसी भी कार्बन पे एच ओ एच ईथर ग्रुप है नहीं, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ, यानी सेलुलोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो सेलुलोज के बारे में पता चल गया। अब हम लोग आते हैं किस पे बच्चों, अब आते हैं ग्लाइकोजन पे। चलिए ग्लाइकोजन पे आते हैं। ग्लाइकोजन, इसका मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये इसको क्या कहते हैं, इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, लिवर में स्टोर होके रहता है ना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। Also called animal. इसे animal starch भी कहते हैं। It is similar to, its structure is similar to amylopectin. Rather more highly branched. ये कैसा होता है? Similar किसके similar है? ये amylopectin के similar है। किसके? Amylopectin के। इसे animal starch भी कहते हैं। Its structure is similar to amylopectin and rather more highly branched, मतलब इसका amylopectin तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, बता चुकी हूँ, सबको मालूम है amylopectin में क्या होता है, ब्रांच होता है, एंड ब्रांच में क्या होता है, यहाँ पे जो है बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, C1 एंड C4 के बीच तो बनता ही है, साथ में किसके बीच बनता है, C1 एंड C6 के बीच भी बनता है, और ये मोर हाईली ब्रांच होता है, बहुत बड़ा ब्रांच होता है इसका, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन के जैसा है, सिमिलर है, यानी इसमें किस चीज से मिलकर बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा बनाते हैं, किससे, अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज क्या था, बीटा डी ग्लूकोज, एंड ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब चलिए कैसे देखते हैं,
यहाँ पे कैसे ग्लाइकोजेनिक लिंक बनेगा उसको मालूम है बच्चों हम लोगों को, क्योंकि क्या बोली हूँ मैं, यहाँ कैसे बनता है बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एच ऊपर होगा, यहाँ भी एच ऊपर होगा, ठीक है। एंड यहाँ सेम टू सेम जैसे होता है वैसे ओ एच एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच सेम टू सेम यहाँ भी होगा सी एच टू ओ एच ओ एच यहाँ का तो मालूम है, यहाँ भी मैं बता चुकी थी यहाँ पे क्या होता है, ये जो है नीचे आ गया OH होता है OH यहाँ, और यहाँ पे CH2OH है ना, यहाँ पे CH2OH CH2OH यहाँ से H एंड OH के बीच ये यहाँ से वाटर रिड्यूस हो गया माइनस H2O एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गया लिंक बन गया, ये O है और इसके बीच में लिंक बन गया, कौन सा लिंक, ग्लाइकोसिडिक लिंक, सेम टू सेम ऐसे ही इसके बीच में होगा, आगे भी ऐसे ही ब्रांच होता चला जाएगा, ठीक। तो ये ब्रांच के रूप में बनते चले जाते हैं और ये ब्रांच भी क्या है इनफाइनाइट है, ठीक। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये ब्रांच ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, फिर स्टेट होगा, फिर ब्रांच बनेगा, ऐसे ब्रांच में ये खाली चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इरिटेशन शुगर है, यहाँ पे कहीं भी इरिटेशन शुगर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं ये भी इरिटेशन शुगर नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसके पास तीनों चीज हो, नहीं है। अगर एच ओ एच है तो इथर ग्रुप नहीं है, आर OH and OH है तो कहीं भी ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है ग्लाइकोजेन इज नॉट अ रिड्यूसिंग। इस तरह से आज हम लोगों का पॉलीसेक्राइड्स कंप्लीट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट में हम लोग प्रोटीन स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बिना लाइफ का इमेजिन भी करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।